मैंने कुछ नहीं बताया, डरती ना ये मेरा बेटा गति खत्म कर दिया। भाई एक माँ से एक लाल छीन लिया, कोई कसूर नहीं, और बच्चे हैं उस रवि के, पांच छह लड़कियां बताई जाती है। जुकर मेरा बेटा काटन भी मैं कटवाने चाहूं दोनों ने, मैं नहीं अपनी बहू वो से मेरी नहीं लगती कुछ भी वा हमला करा बेटा। उसने साल भर पहले लगते पानी नहीं दिया, दिन मेरे से ठंडे में प्याया उसने, फिर मैंने पता नहीं कहाँ पड़ी हूँ, फिर मेरा गला दबाया, मैंने कानों तो सुना मेरे बच्चा ने भी मरवा देगी वो, मेरा बेटा मरवा इस तरह ही नहीं मरवा देगी, मेरी कन्या ने बेच देगी नहीं वो आगे तो। मेरे बेटा उसके लत्ते भी धोया करता, बर्तन भी मांजा करता, पोचा मारा करता, सिर्फ अपने लड़के लड़के ने रखा करती। पानीपत के समालखा कस्बे के पट्टी कल्याणा गांव से आपके साथ लाइव जुड़ा हूं। यहां से एक मामला बहुत चर्चित चल रहा है इस समय, पूरे राज्य की नज़र, पूरे भारत की नज़र उस मामले पर टिकी हुई है। एक रवि नाम का लड़का बताया जा रहा है जो पिछले रविवार को गुम हुआ था, और एक हफ्ता बाद उसकी जो है शव जो है पड़ोस से ही किसी के सरपंच का भाई बताया जा रहा है, परवीन नाम, उसके घर से शव जो है उसका निकाला जाता है। रवि की माँ हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्या पहले भी कुछ ऐसा मामला हुआ हो कि इनको पता चला हो, उनसे बातचीत करने कोशिश करेंगे। हालांकि इनसे बातचीत करना भी ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि एक माँ का लाल गया है, इन्हें दर्द बहुत है, लेकिन मामला जानने की कोशिश करेंगे। आंसू इनके रुक नहीं रहे हैं। माता जी हिम्मत रखो, माता जी थोड़ी रोवा ना, बोल का बताओ सुना। भाई एक माँ से एक लाल छीन लिया, कोई कसूर नहीं, और बच्चे हैं उस रवि के, पांच छह लड़कियां बताई जा रही है, उनका भी लालन पोषण कैसे होगा। माँ के आंसू नहीं थम रहे, माता जी कैसे क्या हुआ, थोड़ा सा बताओ क्या हमला करा बेटा। उसने साल भर पहले लगते पानी नहीं दिया, दिन मेरे से ठंडे में प्याया उसने, फिर मैंने पता नहीं कहाँ पड़ी हूँ, फिर मेरा गला दबाया, मैंने कानों तो सुना, अरे मुँह तो आगो तो कुछ नहीं दिख रहा था, फिर मेरा न सिर फोड़ा यहाँ तो, फिर मैंने पता नहीं बेटा क्यों कर ले गए, क्यों संभाल कर संभाल कर बेटा मर जाओगा इस तरह तो मगा जी ना मरवा देंगे मेरे बेटे ने, मैंने किसी ते भी नहीं बताया मका ना कोई ना, मैंने नहीं बेरा कौन मारेगा, चोर मारेगा, कौन मारेगा, मैंने कुछ नहीं बताया, डरती ना ये मेरा बेटा गति खत्म कर दिया। पहले भी बता रहे हैं कि रवि की जो पत्नी है अपने प्रेमी के साथ, प्रेमी बताया जा रहा है प्रवीण, उनके साथ इनको भी मारने की कोशिश की गई थी एक साल पहले, कोल्ड ड्रिंक में पिला के दिया था आपको, कुछ कोल्ड ड्रिंक में दिया था, मतलब आपको पहले पता चल गया था कि ऐसे ऐसे उनका कुछ था आपस में। हाँ पता था बेटा, मैंने सारी आना करता हूँ, हमारे घर में आवा था तो परिवार को शक था उस चीज का, क्यों आता है हमारे घर में, हमने नाटे भी, आपने प्रवीण को कभी बोला नहीं कि भाई तू ना आया कर, फिर ये मेरी गल कलेश कर देती, लड़ाई कर देती। ये भी बताया जा रहा है कि आपके साथ क्लेश करके यहाँ से कहीं और चले गए थे, ऐसा भी कुछ मकान बेच दिया वहाँ चले गए, मैं नाटी फांसी लेने की धमकी दे दी मेरे लड़के थे, मैं फांसी लेऊंगी मकान नहीं बेचेगा तो, एक दिन कुआड़ बंद करके वो फांसी भी लेने लगी थी, फिर मेरे बेटा ने बोला माया मर जाएगी, बेच दे सहन कर दे इस पे, फिर मेरे बेटे ने मकान बेचना पड़ा, फिर मेरे बेटा ने बोला मैं अपने घर को से देख जाऊंगा माँ, और पिराना तो नहीं देऊँ, फिर मेरे देवर के लड़के तो उसने घर बेचा, बोला माँ कोई बात ना, अपने कुणबे में ही दिया, मैंने अपने दादा लाई जमीन, ये वो परे न चला गया बेटा, ये मैं सोन भी नहीं दी उसने, दो दिन तीन दिन हो गए मेरे बेटे ने गए ना मका, मैं यहीं सोऊंगी तेरे पास, न बोली ना मैं तेरी शिकल देख कर भी राजी नहीं, चली जाऊ रहे था। देख लो मतलब कितनी हद तक जो रवि की पत्नी बता रहे हैं, पुष्पा नाम है शायद उनका, पुष्पा नाम है, इतनी गिरी हरकत कि एक माँ का लाल जब सात दिन पहले गुम हो गया था तो इन्होंने कोशिश की कि उनके पास सोए, क्योंकि एक माँ से उसका लाल दूर होता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन अपने पास सोने भी नहीं दिया, इतने मतलब रास्ते से तो हटाने की शुरू से ही कोशिश उनकी चल रही थी, बता भी रहे हैं एक साल पहले की माँ दोनों फोन पर पता नहीं मैंने क्या बदला करती, कुवाड़ बंद कर ले थे दोनों, रोज बात करा करती, एक उसका छोटा भाई उसकी माँ, कदे उसका बाप, मनु कदे बाप, वो भी चाहिए उसके माँ बाप भाई, दोनों तीनों साथ में होंगे बेटा, जो जुकर साथ में लुक लुक का बात करा करते हुए रोज, मतलब आपकी तो मतलब कभी सेवा की नहीं बेटा मेरी नहीं करी, मेरे तो गिलास पानी का भी नहीं दिया कदे उसने,
मेरी बड़ी बहू है या छोटी है, इन तो मेरी कदे लड़ाई गन दंगा कुछ नहीं होया। एक माँ देखो भाई अपने बेटे को पालती है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मेरे बेटे हैं, मेरी बहू है, मेरी सेवा करेंगे, यही लालच एक माँ बाप को होता भी। और फिर भी देखो एक माँ से अपना लाल पहले ही दूर कर लिया था, नहरी तो रहे अगर दिपा लेता है, और अब तो संसार से ही छीन लिया, मतलब इतना पाप का काम किया। और कितनी लड़कियां बताई जा रही है, जरूरी की है, चार लड़कियां, बेटा एक लड़का, पांच बच्चे हैं। मैं बच्चा ने आप पाल लूंगी पर उसने मैं देखना नहीं चाहूंगी, मेरे बच्चा ने भी मरवा देगी, वह मेरा बेटा मरवा इस तरह ही नहीं मरवा देगी, मेरी कन्या ने बेच देगी नहीं वह आगी। तो बिल्कुल भाई ऐसी महिला कुछ भी कर सकती है जिसने अपने पहले भी अपनी सास को मारने की कोशिश की और अपने पति का। अरे पहले पति जला दिया था एक बार, 4 साल पहले सिलेंडर खोल दिया था, लड़का गैस चूल्हा छोड़ दी थी, मेरे बच्चे तनु बोली पानी तत्ता कर लिया, उसने जाकर सीख चढ़ाई सारी रसोई में आग लगी। अच्छा ये कितने टाइम पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है भाई ये। अच्छा मतलब शुरू से ही कोशिश तो उसकी शुरू से ही है, जिस दिन तक परवीन तो बैठने लगी थी हमने माँ बेटा ने मरना ही चाहो थी। 5 साल हो गए इसके दौरे, 5 साल हो गए इसके दौरे बैठती, 4 साल पहले दिसंबर की बात है, लड़का जला था हमारा। शादी तो इनकी अरेंज मैरिज हुई थी, आप लोगों ने करा? हाँ शादी तो अरेंज मैरिज है, उसका बाप हमारे घर रिश्ता लेकर आया था जब हमने करी थी। शादी के कितने दिन बाद हुआ ऐसा करने लगी थी? फिर कितने दिन बाद करी थी इसकी अन्यारी? जब तेरे भाई मरा पीछे कर दी थी न्यारी, जब भैया शुरू से ही ऐसी थी। मेरे भाई जैसे ड्यूटी से आता था तनख्वाह लेके, उसकी पूरी की पूरी थाली गायब करती थी पैसों की, और नाम ले देती बड़े लड़के का, वो थोड़ी पीवा कावा था, उसने निकाल ली। तो रवि ने आपके साथ कभी ऐसी बातचीत करने की कोशिश की कि माँ मेरे को ऐसे परेशान कुछ ऐसा बोला हो आपको कभी? मेरे बेटा नु कहा करता माँ जो मैं तेरे बात बताऊँ तो बताइए ना, मैंने दुखी घनी कराया, मेरे बेटा उसके लत्ते भी धोया करता, बर्तन भी जा करता, पोचा मारा करता, सिर्फ अपने लड़के लड़के ने राख्या करती, कुछ नहीं करती ऐसा उसा काम, फोन पे लगी रहती 24 घंटे। रवि से आखिरी बार कब मिले थे आप, क्या बातचीत हुई थी रवि से? मेरे बेटा नु कह गया था भी माँ मैं गाड़ी देन जाऊं, देखन जाऊं, चे गनोर जाऊं, चे करनाल जाऊं, फिर ये थोड़ी सी बार पहला परवीन भी रुका मार का आया था आवाज देकर, अगर अभी आ जा बारना है, फिर मने नहीं मने के नू पता था मेरे बेटे ने नू गायब कर देगा ना, मैं बाहर जाकर देख लेती, जाने नहीं देंदी बेटा उस टाइम, अपने घर पे रोक लेते अपने बच्चे को। तो ये तो किसने पता होता है किस लिए लेके जा रहा और कब लेकर जा रहा, और गांव में कोई इतनी बड़ी बात सोचता भी नहीं, कितनी बड़ी कोई वारदात कर दे। उसके मिस्त्री की चाह 7 कप एक बार बनू आगे ले गया मेरे पे, मेरा लड़का 7 कप एक बार प्रवीण के घर लग रही थी चढ़ाई। माइन की चाह बनवा दे माँ, इसकी चाह बना दे माँ, कई बार कह ली मिस्त्रियों की चाह भी दी मैंने बना के, मैं गले ले जा बेटा चाह पानी का तो सज जाओ कोई बात नहीं, या भी फोन कर कनू कहा करती कोई बात ना, दे दियो चाह बना कनू कर दियो। मने के बेरा था बेटा नू अड्डे लेकर जावा है या ऐसा ऐसा काम करेगी मेरे बच्चे का ला। अब के चाह हो माता जी आप क्या? मैं इंसाफ दिवाना चाहूँ बेटा, जो कर मेरा बेटा काटा नू भी मैं कटवाना चाहूँ, इन दोनों ने मैं नहीं अपनी बहू वो चे मेरी नहीं लगती कुछ भी वा, जो कर मेरे बच्चा ने इंसाफ चाहिए, इन माँ बाप नहीं चाहिए इंसाफ चाहिए, बेटा तो गया इसी बहू का के करूँगी मैं, के रहेगी या चोरी मरे या बेट कड़ी या चोरी या बेटी है भाई। हाँ उसी की है। बिल्कुल भाई देखो एक माता है उसका लाल छीन लिया, हालांकि पहले भी कोई सुख नहीं दे रही थी मतलब अपनी सासू ने, लेकिन अब तो इतना घिनौना काम कर दिया है, 4 लड़कियों के जो पिता है छीन लिया, उन 4 लड़कियां ना कौन पालेगा, कैसे उनका लालन पोषण होगा, और पूरा मतलब परिवार बैठा है, शुरू से ही दुखी कर रही थी सासू को मारने की कोशिश की। ऐसी महिला को क्या सजा देनी चाहिए आप भी कमेंट में एक बार जरूर बता दियो, हालांकि कार्रवाई तो संतुष्ट हो गए माता जी, कार्रवाई ठीक हो रही है कि नहीं, पुलिस ठीक काम कर रही है? भाई मैं तो कल गई थी, मैंने क्या पता क्या कर रहे हैं, सरपंच तो बेटा गति साथ नहीं दे रहा, सरपंच ने मेरे तनु बोलिया सरपंच के मैं गई, मगर भाई कार्रवाई नहीं कर रहा भाई, मारी गल दरखास्त दीवान भी नहीं चल रहा, छुट तेनू बोला तने के मेरी वोट दी थी, मगर तने बेतने के बेरा मैंने दी थी कि ना दी थी, नू बोला तेरे बेटे ने मैं गली गली कैसे टोक लियाऊं, उसके सिर कर्जा था, उस लुक गया हुआ कहीं जाकर, मगर थारा के कुछ देना है, अगर मार पर नहीं तो रहा का देना होगा किसी का,
मगर कर्जे की मारी नू लुकता, पहला नहीं लुका, इब किस तरह लुक गया मेरा बेटा। ईसा मेरा बेटा नहीं था, बेटा ना ही कर्जा, ईसा सिर है उसका, क्या होगा 10-20 हजार रुपये किसी के देने, ना मेरे बेटे ने किसी के रुपये नहीं देने। नू झूठ तो बेटा चाहे कोई कितनी ये बोल दो, नू गाम राम नू कह दे भाई गाड़ी भी चलाओ था, मैं भी पेंशन ले हूँ 10-10 हजार रुपये मैं भी दिया करती अपने लड़के थे, मगर बेटा गाड़ी किस्त भर दे, कोई नू थोड़ी है, वही एक लाई करा था, मैं भी बच्ची आखी मारी करूँ थी, मगर मेरी पोता भी आप उससे दिया कर दे, पीछे तू अपना घर चला ले दिया करती।